बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू किचन विद एमन। आज मैं क्लब सैंडविच की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। जिंगर क्लब सैंडविच आज हम बनाने वाले हैं, बहुत ही मुनफरद और बहुत ही नए तरीके से। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसिस। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ साल्टेड ब्रेड, क्योंकि सैंडविचेस के लिए अमूमन वही इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से सारी साइड्स जो है वो हम इसकी कट कर लेंगे। जो साइड्स हमने कट की हैं उनको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हम ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल करेंगे किसी और रेसिपी के लिए। इसी तरह से हम और जो स्लाइसेस होंगी उनको भी इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे दो सैंडविचेस के लिए हमारे पास 3 स्लाइसेस होने चाहिए। इनकी साइड्स कट करने के बाद इनको एक साइड पर रख लेंगे और यहाँ पे जो स्लाइसेस हैं इनके ऊपर एक एक करके मायोनीज अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लाइस के ऊपर भी मायोनीज अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 स्लाइसेस के ऊपर मायोनीज अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे मैं सैंडविचेस जो है वो 4 बनाने वाली हूँ। इसी तरह से सबके ऊपर हमने मायोनीज लगा लिए और सलाद के पत्ते इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे हमने पतली पतली स्लाइसेस जो है वो टोमेटो के लिए, वो भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और इस तरीके से फैलानी है कि हमें कटिंग में इशू ना आए। इसके ऊपर हम दूसरी स्लाइस रख लेंगे और वो साइड रखेंगे जिसके ऊपर हमने मायोनीज अप्लाई किया था। अब इस स्लाइस के ऊपर भी हम मायोनीज अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अब इसके बाद फिर से हम सलाद के पत्ते इसके ऊपर रख लेंगे। इसके बाद मैंने चिकन यहाँ पे केएफसी स्टाइल में फ्राई किया था, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसको तकसीम करना है और इसके ऊपर स्प्रेड करना है। इसी तरह से बड़ा पीस जो है वो हम इसके ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि सैंडविच जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो हमने चिकन को जो है अच्छे से फैला दिया है। केएफसी स्टाइल चिकन बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम थर्ड जो स्लाइस है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी हमने मायोनीज अप्लाई किया था। तो ये देखिए, इस तरह से हम 3 स्लाइसेस से 2 जो है वो सैंडविचेस बनाएंगे। इस तरह से बीच में कट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास जो हमारे जिंगर क्लब सैंडविच है वो बहुत अच्छे से और बहुत मज़े के और बहुत आसानी से तैयार हुए हैं। दुआ में याद रखिएगा और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी ऐसी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।